सिंह की जय हो, महाराज अंजान सिंह की जय हो, महाराज अंजान सिंह की जय हो। खुश रहो द्वारपाल। द्वारपाल ये बताओ, हमारे रायपुर रियासत के क्या समाचार? महाराज आपके रायपुर रियासत के शुभ समाचार ठीक है। आपकी राया खुशहाल है महाराज, आपकी राया में किसी प्राणी को कोई तकलीफ नहीं है महाराज। द्वारपाल अगर हमारी प्रजा खुश है तो हम और तुम भी खुश महाराज। आपके नाम के गुणगान गा रही महाराज, आपकी राया आपके नाम के जय जयकार कर रही महाराज। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज आपकी प्रजा आपकी राया आपको देखने के लिए खुद उपस्थित है महाराज। बहुत अच्छी बात है द्वारपाल। द्वारपाल जी महाराज, आज हम तुमसे कुछ पूछना चाहते महाराज। आज भरे रात दरबार में हम दोनों भाइयों से क्या पूछना चाहते हैं राजा? पूछिए महाराज। द्वारपाल दरबार में ये दरबारियों से आप क्या पूछना चाहते हैं राजन? द्वारपाल आज ये बताओ कि संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो सत्य के सिवा झूठ कभी नहीं बोलती? हाँ भैया महाराज तो बहुत कठिन सवाल पूछ बैठे। क्यों नहीं भाई साहब, लेकिन इसको बताना है, अगर नहीं बताएंगे तो हम लोगों का रहना बेकार है। क्यों नहीं भैया? महाराज इस संसार में सबसे ईमानदार और सच्चा जिसको कहते हैं दर्पण, के अलावा कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक कहा द्वारपाल, यही बात। द्वारपाल जी महाराज जाओ उस दर्पण को लेकर हमारे पास आओ, आज हम उसे देखना चाहते हैं। जाओ महाराज के सामने वो दर्पण पेश किया जाए। भैया तुरंत जाओ। हम दर्पण ले आए महाराज को दीजिए। ठीक है महाराज लाओ दर्पण। छोड़ो जी भैया। महाराज कई वर्षों के बाद ये दर्पण मंगाए हैं। क्यों नहीं? ये दर्पण में क्या देख रहे हैं ये हम लोगों को तो पता नहीं। जी भैया ये तो महाराज ही बताएंगे। दर्पण ये महाराज अब हमारा चौथा पन आ गया। क्या महाराज आपका चौथा पन आ गया? हाँ द्वारपाल। तो राजन इसमें हम दोनों भाइयों के लिए क्या इजाजत है, क्या हुक्म है महाराज? द्वारपाल जी तुम जानते हो क्या नहीं हमारे यहाँ की परंपरा? वो कैसी परंपरा है महाराज हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन आज आप हम लोगों को बताइए। हम अवश्य बताएंगे द्वारपाल। क्यों नहीं महाराज? द्वारपाल जी राजन जिस राजा का चौथा पद आ जाता है वो राजा इस रात पाट को छोड़कर किसी बियाबान जंगल में जाकर राम भजन में लीन हो जाए। महाराज आपका कहने का मतलब ये है कि किसी राजा का चौथा बना जाता है तो अपना राजपाट छोड़कर किसी भी आबाद जंगल में भगवान के लीन हो जाता है। द्वारपाल तो हम लोगों के लिए क्या क्या है राजा? द्वारपाल जी महाराज जाओ इस दर्पण को जिस जगह से लाए हो जी उसी जगह रख देना और साथ साथ हमारे बेटे भारत को बुला। Thank you.
और भैया यानी हमारे महाराज क्या बात कर रहा हम भी गए दर्पण को उचित स्थान पे रख दिया और भरत भैया से आपका संदेशा बताया। भरत भैया राजमहल आ रहे हैं। पिताजी हाँ बेटे आपने भी याद किया। हाँ बेटे पिताजी पिताजी के चलन जी हाँ, आपने हाँ, अपने लाल कुकी से लिए याद किया है तो चुको चुको बेटा तुम्हें दियो सदा रहो खुश चुको बेटा जी। हाँ बेटे पांच बचन। हाँ बेटे पिताजी क्या मैं आपसे जान सकता हूँ आपके वो पांच बचन कौन से हैं पिताजी? क्यों नहीं बेटा जिन्हें हमें पालन करना है। हाँ बेटे बेटा पहला बचन ये है कि तुम चोरी नहीं करोगे। आपका पहला बचन कि मैं कभी चोरी न करूं। हाँ पिताजी हम ऐसा ही करेंगे। हाँ पिताजी आपका दूसरा बचन कौन सा है? बेटा दूसरा बचन ये है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। पिताजी हाँ मैं आपसे वादा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ चाहे जितनी मुसीबत आ जाए लेकिन आपका बेटा भरत कभी झूठ नहीं बोलेगा पिताजी। हाँ बेटा पिताजी आपका तीसरा बचन कौन सा है? बेटा तीसरा बचन यह है कि तुम लाला की देखभाल करो। आपका तीसरा बचन कि मैं अपनी लाला की देखभाल करूं। हाँ आप जैसा कहते हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। क्यों नहीं बेटा। और पिताजी आपका चौथा बचन कौन सा है? बेटा चौथा बचन यह है कि राजा की जितनी माँ बहन बेटी हैं उन्हें अपनी माँ बहन बेटी के समान समझना। पिताजी हाँ हम वैसा ही करेंगे अपनी राय की माँ बहन बेटियों को
अपनी माँ बहन बेटी ही समझेंगे। हाँ बेटे। पिताजी आपका अंतिम और पांचवा वचन कौन सा है? बेटा पांचवा वचन ये है कि तुम अपनी चाची माँ को माँ के समान समझना और अपने चाचा जी को पिता के समान समझना। पिताजी ये तो हमारा परम कर्तव्य है कि मैं चाची को माँ और चाचा को पिता समझूं। पिताजी हाँ बेटे। हाँ पिताजी हम ऐसा ही करेंगे। क्यों नहीं बेटा? बेटा भारत आज हम इस खुशी में तुम्हें यहाँ का महाराज बनाना चाहते हैं। पिताजी आप कैसी बातें करते हैं? अभी अभी आपने हमें पांच पत्नियों के अटूट बंधन में बांध दिया है और अब इस राज का लोभ देकर आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं पिताजी। पिताजी हाँ बेटा। हे पिताजी परीक्षा ललिते मेरी चाचा चाची महल में सयाने अभी राज का भार उनके हवाले करो। राज का भार उनके हवाले करो है वचन पाच हमको जी। हाँ बेटे। अभी तो चाचा और चाची हमें अपनी बताई हुई पांच बच्चों का पालन कर देने दे और ये राजपाल अब चाचा जी को सौंप दे। वाह भारत वाह भारत बेटे। बेटा भारत बुला अपने चाचा को। दरबारी अति शीघ्र जाओ राजमहल में चाचा जी को बता दो कि बड़े भाई साहब भी आ गए हैं और ये जाते जाते ये खबर चाची माँ तक भी पहुंचा देना। भैया हम तुरंत जा रहे हैं, तुरंत उनको बता के आ रहे हैं। जाओ जल्दी। बड़े भैया आपने हमें बुलाया। हाँ मेरे छोटे भाई आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। बड़े भैया एक मिनट। फिर क्या कहना चाहते हैं? हमारे रवि भाई जहाँ कहीं भी हो अगर हमारी आवाज आप तक पहुँच रही है, यदि मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो आपको मेरा मालिक जी बुला रहे हैं, मिलने का कष्ट करें। धन्यवाद क्यों
सुने जरूर बताएंगे भाई रंजीत सिंह। और जेठी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर क्या कहना चाहती हूँ? बड़े गलती की बात कहां से? बड़े भैया, अगर गलती किसी की नहीं है तो आपने आपने अपने परिवार को एक साथ बुलाने का कारण क्या है भैया? आखिर किस लिए पूरे परिवार को एक साथ बुलाया गया? हम जरूर बताएंगे मेरे भाई रंजीत सिंह। जरूर बताओ भैया क्या बात? बातों को हम सब समझ गए। आपके कहने का मतलब यह है कि आपका चौथा पन आ गया है और अपना जो शेष जीवन बचा है आप हरि भजन में जाना चाहते हैं भैया बानवी। हाँ रंजीत भैया, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इसी इसी महल में एक बहुत बड़ा आलीशान मंदिर बनवा दे। आप उसी मंदिर में हरि भजन करना और हम बच्चों को आपके सेवा का अवसर प्रदान हो जाए। नहीं रंजीत सिंह, तुम कितना मंदिर बनवा दोगे? आज मेरा चौथा पन आया है, कल दूसरे का चौथा पन आएगा, फिर तीसरे का आएगा, कोई जगह खाली नहीं रहेगी। बड़े भैया, यानी कि ये आपके पूर्वजों की परंपरा है, जिसका चौथा पन आ जाता है वो हरि भजन के लिए पियाबाद जंगल चला जाता है। तो भैया हमारे लिए क्या आज्ञा है? भैया क्या आज्ञा है हमारे लिए? द्वारपाल, ये हमारे शाही वस्त्र उतार कर हमारे भाई रंजीत सिंह को पहनाया जाए। ठीक है महाराज, आप जैसा कहते हैं हम दरबारी वही करेंगे।
हेलो हेलो, ये आ गए हमारे अशोक भैया, हमारे वाणी अशोक भाई, उनकी तरफ से ये 20 रुपए हमारे हारमोनियम मास्टर के लिए स्पेशल इनाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। भाई साहब मंजीत सिंह बड़े भैया, हमारे शासन काल में हमारी जाया खुशहाल, आज तुम यहाँ के महाराज हो। जिस तरह हमारी राया सदा खुशहाल रहती थी, उसी तरह राया खुशहाल होना। बड़े भैया, आप चिंता न करें, आपने आपने इस प्रजा को बच्चे के समान पालते थे भैया। आपके जाने के बाद जिस तरह आप अपने इस शासन काल में खुशियां ही खुशियां आप इस प्रजा को देते थे, आपके जाने के बाद ये प्रजा हमेशा खुशहाल ही रहेगी भैया। वादा है भैया आपसे, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं भैया, ऐसा ही होगा। बड़ी बहू, आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? बड़ी बहू, बेटा भारत और बहू लक्ष्मी, इन बच्चों को अपना ही बच्चा समझना। जेठी, आप चिंता मत करें, हमारे रहते हुए इन बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। हाँ बहू, अपना ख्याल रखना और साथ साथ अपने मुन्ने को भी ख्याल रखना। रोना नहीं चाहिए मुन्ने। क्यों नहीं पिताजी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसे ही करूंगी। बेटा भारत, जी पिताजी। बेटा भारत, आज हम अपने पुरखों की दी हुई अमानत आज हम तुम्हें देना चाहते हैं। हाँ बेटा, पिताजी। हाँ बेटा, इसमें तो भोलेनाथ की तस्वीर छपी हुई है। हाँ बेटा। पिताजी, हम इसे सदैव अपनी सीने से लगाकर रखेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पर हमेशा चलेंगे। बेटा, इसे संभाल कर रखना, शायद वक्त आने पर काम आए। अपनी रियाया से कुछ कहना चाहते हैं, यदि मुझसे कोई गलतियां हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना और किसी चीज की कमी हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहिए। अब पर तुम रही हमारी, अब हो
बेटा भरत, भरत बेटे आओ मेरे पास। मैं जानता हूं बेटा, मैं जानता हूं कि बड़े भैया के जाने के बाद तू कितना चिंतित और उदास, लेकिन बेटा शायद धोनी को यही मंजूर है। ये तो पूर्वजों की परंपरा है जो कि हमारे भैया ने निभाया है। आज उनका चौथा पनाया है, कल मेरा आएगा और कभी तुम्हारा भी आएगा। लेकिन तुम चिंतित और उदास मत होना। जितना हमारे भैया तुम्हें प्यार करते थे, मैं तुम्हें पिता से भी बढ़कर प्यार दूंगा बेटा। प्रिय लीलावती, आप जरा इन बच्चों को समझाइएगा, जरा समझाइएगा लीलावती। बेटा भारत और बहु लक्ष्मी, मेरे पास आओ मेरे बच्चों। मैं जानती हूँ कि जेठ जी के चले जाने से आज तुम दोनों बहुत चिंतित हो। चिंता मत करो मेरे बच्चों, अभी तो मैं हूँ। माँ का प्यार मैं दूंगी, पिता का प्यार तुम्हारे चाचा श्री देंगे। मेरे लाल, मैं तुझसे उम्मीद यही करती हूँ कि मैं तो तुझे इतना प्यार करूंगी कि तू हमें सारी उम्र नहीं भूल पाएगा।